वेलकम बैक टू द वीडियो। और आपको मैं अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे ले जाके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने कुछ कोलैब्स किए हुए, जैसे यहाँ पे इस पे 5.6 मिलियन व्यूज है एंड ऐसे ही इस प्रोफाइल पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोलैब किए एंड जिससे हम दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, हमारे रीच बढ़ी एंड हमें कुछ पेड प्रमोशंस भी मिलना स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे आपने अगर एक ऑप्शन को टर्न ऑफ किया हुआ है या आपको वो ऑप्शन नहीं मिला है जो आपको टर्न ऑन करना है, जिससे आपको कोलैबोरेशन मिलते चले जाएंगे एंड आपको मतलब लोगों को पता लग जाएगा कि आप रेडी हो आप कोलैब करने के लिए एंड आपसे वो कांटेक्ट करेंगे खुद ही कि भाई हमारे साथ कोलैब कर लो, हमारे साथ कोलैब कर लो एंड पेड प्रमोशन कोलैबोरेशन के लिए भी आपको मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अकाउंट पर लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। इंस्टाग्राम ने इसीलिए ऑप्शन दिया है, आपको बस चेक करना है एंड उसको टर्न ऑन कर देना है। तो उसी के लिए आपको मेरे साथ ये सारे स्टेप फॉलो करने, मैं आपको अपने इसी अकाउंट पे दिखाने वाला हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे कोलैबोरेटर का ऑप्शन मिला है। अगर आपको नहीं मिला है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाओ या फिर ऐप स्टोर पे जाओ, अगर आईफोन यूज़ करते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लेना, क्योंकि जो कोलैबोरेटर का ऑप्शन है वो उसके बाद ही मिला है। ओके, एंड कोलैबोरेशन में भी आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जो टर्न ऑन करना है। आई होप आपने अपडेट कर ली होगी एप्लीकेशन। अब आपको इंस्टाग्राम पे ही यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे टैप करोगे, यहाँ पे अब आपको एक सिंपल सा ऑप्शन दिया गया है, मैं उस ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोलैबोरेटर स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इसको टर्न ऑन कर देना है। लेट अदर क्रिएटर नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुगेदर बाय डिस्प्लेइंग अ स्टेटस ऑन योर प्रोफाइल एंड डायरेक्ट मैसेज। वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे। जैसे आप इसे टर्न ऑन कर देते हो तो आप देखोगे आपकी प्रोफाइल पे कुछ इस तरह का अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको टर्न ऑन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ओपन टू कोलैबोरेटर, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना। अब ये वाला ऑप्शन अगर आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है तो अदर जो यूजर्स हैं, अदर ब्रांड्स हैं, उन्हें पता लग जाएगा दैट यू आर ओके, यू आर ओपन टू कोलैबोरेट। ओके, एंड वो आपको डीएम करना स्टार्ट कर देंगे। टर्न ऑफ करना है तो सेम वही ऑप्शन है, आप यहां से टर्न ऑफ कर दो। अभी के लिए मैं इसे टर्न ऑफ कर रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट ओपन टू कोलैबोरेट राइट नाउ। लेकिन जब इनिशियल स्टेज पे है अगर आपका अकाउंट, तो आप इसको टर्न ऑन रखो, जिससे आपको बहुत सारे कोलैबोरेटर मिलेंगे एंड एक अकाउंट से भला मतलब अगर आप दो तीन अकाउंट के साथ कोलैबोरेट करते हो, ज्यादा करते हो, चार पांच अकाउंट के साथ या हर अल्टरनेटिव रील में आप कोलैबोरेट करते हो, तो वहां से आपकी जो अकाउंट की रीच है आपके फॉलोअर्स तक तो जाएगी जाएगी, प्लस जिनके साथ आप कर रहे हो उनके फॉलोअर्स तक भी जाएगी एंड उसके बाद भी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे करके आप अपने अकाउंट को ग्रो करा सकते हो। आपको बस इस कोलैबोरेटर ऑप्शन को टर्न ऑन रखना है सो दैट लोगों को पता लग जाए कि ये ओपन टू कोलैबोरेट है। ओके, ये इस बटन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आई हैव सीन अकाउंट ग्रोइंग इस पर्टिकुलर ऑप्शन से एंड आई हैव अ एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड आल्सो, उसने बहुत सारे कोलैब किए। अगर मैं तकवीर का ही दिखाऊं तो यहां पे आप देखोगे इन्होंने बहुत से लोगों के साथ कोलैब किया है। नीचे आप देखो एक ओके okay, हर अल्टरनेट रील्स पे कई लोगों के साथ इन्होंने कोलैब किया है, ये देखिए। ओके, अब कोलैब करके ही आगे ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि अब एक अकाउंट पे ना रीच बहुत ज्यादा लो होती जा रही है इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम की रीच इंडीड बहुत लो हो रही है, डेली घट रही है। तो आप कोशिश करो कि आप कोलैबोरेटर के साथ कोलैब करो। अगर आपसे कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है उसके साथ कोलैब करने के लिए आप उनको डीएम कर दो, और अपने पे तो ये ऑप्शन टर्न ऑन ही रखो ताकि लोगों को ये पता रहे कि ये कोलैब करने के लिए रेडी है। क्या पता किसके पास कौन सा बेस्ट आइडिया और कौन सी रील वायरल हो जाए, राइट? तो ओपन टू कोलैबोरेट इसे रखो, आप स्टेटस को टर्न ऑन, इससे आपका अकाउंट ग्रो होगा ही होगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको नहीं मिला है तो एप्लीकेशन अपडेट कर लो, बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको नहीं मिला है ऑप्शन, तो मैं बता दूंगा कैसे मिल जाएगा। बाकी उसी के साथ साथ अगर आपको मिला हुआ आपने टर्न ऑन कर दिया है और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या मिला है। बाकी उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।